वेलकम टू दीक्षांत आईएएस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सुप्रभात सभी को। माय नेम इज रोहित कुमार। आज का न्यूज जो है ब्रिक से संबंधित है। ब्रिक के बारे में आप सभी जानते होंगे, हाल फिलहाल में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी उसके मेंबर्स जो है बढ़ा गए थे, और उन्हीं सभी मेंबर में एक देश को जोड़ा गया था। लोगों ने इन्वाइट किया कि अर्जेंटीना को जोड़ा जाए, लेकिन क्या होता है, अर्जेंटीना के राष्ट्र पति हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना है ना, जिनका नाम माइली है, माइली अगर हम देखें तो जेवियर माइली कहा जाता है, अंग्रेजी और हिंदी में प्रोनंसिएशन बदलते रहते हैं, वो ब्रिक्स में जो शामिल होने के जो निमंत्रण इन्विटेशन दिए गए थे उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ब्रिक्स ने कहा कि भाई, उन्होंने अपने भाषणों के दौरान में ये कहा कि अर्जेंटीना ने कहा कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकते हैं। पूछा गया कि साहब क्यों, ब्रिक्स में आप शामिल क्यों नहीं होना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम दक्षिणपंथी माइलिन, दक्षिणपंथी विचारधारा, यानी कि हम राइट विंग्स के हैं, और जो ब्रिक्स में जो सदस्य लोग हैं ज्यादातर ब्रिक्स को कम्युनिस्ट के संगठन, उन्होंने कहा जब वो चुनावी दौरान में थे, चुनाव में बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, आपने सुना होगा कि भारत देश के अंदर में भी चुनाव में भिन्न भिन्न प्रकार का जुमला होता है। किसी ने कहा कि आप बच्चों को, आप सभी भारतीयों के अकाउंट में 15 लाख चले जाएंगे। आपने देखा हाल फिलहाल से, उससे पहले 2014 से पहले भी किसी पार्टी ने ये भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम तो एक जुमला है, एक तरीका है, चुनाव जीतने का एक मतलब पत्ता है, ताश की गड्डी की एक पत्ता है, एक का भी कह सकते हैं। तो वैसे माइली साहब जो है अपने चुनाव संगठन के दौरान में, चुनाव के दौरान में ये कह दिया कि जो ब्रिक्स में लोग हैं, जैसे भारत हुआ, ब्रिक्स में जैसे ब्राजील हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, रसिया हुआ, ये सभी देश जो है ना, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, और कम्युनिस्ट ब्रिक्स को कम्युनिस्ट के संगठन कहते हुए इस पर उन्होंने मजाक उड़ा दी। अब उन्होंने कहा कि भाई, जो जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स का संगठन है, और उस जियो पॉलिटिक्स के संगठन में जो अमेरिका है, इजराइल, हम उसके साथ हैं, अमेरिका है, इजराइल दक्षिणपंथी राइट विंग्स है आपका, हम कम्युनिस्ट के साथ संगठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, और इस बात से कहते हुए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब हम सोचने वाली बातें हैं कि भाई, माइली साहब ने तो ब्रिक्स सदस्य में, आपको पता ही है, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण साउथ अफ्रीका के नेताओं के जो पत्र लिखे थे, उस संगठन में शामिल होने का जो फैसला पिछली सरकार ने कर लिया था, इस फैसले से वो अब सहमत नहीं है। पिछली सरकार ने ये फैसला किया था, अब ये सहमत नहीं है, अब उनके पिछली सरकार द्वारा जो लिया गया फैसला अब पलट दिया गया। अब अर्जेंटीना जो है 6 देशों में से एक था, जो 6 देश नए जो है जो ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाले थे उनमें से एक देश था, जिन्होंने अगले साल और पहले दिन यानी कि जनवरी के को पूर्ण सदस्यता दी जाने वाली थी। अब जनवरी का महीना है, अब ये कह रहे कि हमें ब्रिक्स का सदस्यता नहीं चाहिए, हम पूर्ण सदस्यता की जरूरत नहीं है। अब 3 दिन पहले अर्जेंटीना की सरकार ने यह फैसला लेते हुए कहा कि चीन, भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों को यह सबसे बड़ी झटका भी था। आप कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स देश जो है, पहले 11 जो थे अब 10 होंगे, ब्रिक्स में हिस्सा जो है 11 थे अब 10 होंगे, और ब्रिक्स में जो सदस्य होगा, जैसे ब्रिक्स में फिलहाल है ब्राजील है, रूस है, भारत है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है, ये सभी अस्थाई देश है। अगले साल जो ऐड होने वाला जो देश था, जिसमें मिस्र हुआ, अर्जेंटीना हुआ, इथोपिया हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, ईरान हुआ, इवे ये सारे संगठन के परमानेंट मेंबर बनने वाला था, लेकिन इसमें से 11वां सदस्य के रूप में अर्जेंटीना था, जो अब अर्जेंटीना ने अपना जो है नाम वापस ले लिया है, अब संगठन में वो साथ में नहीं होगा। हालांकि इस बात पर काफी जियोपॉलिटिक्स में चल रही है, अर्जेंटीना के ही एक है फर्नांडिस है आपका, सरकार के पिछले शामिल थे जिन्होंने वो किया था, उन्होंने कहा कि भाई ये वामपंथी विचारधारा के, पहली जो सरकार थी ब्रिक्स की, ये यहाँ की जो सरकार थी वो वामपंथी विचारधारा की सरकार थी, और वामपंथी विचारधारा को, और हम लोग जो है दक्षिण पर, जो नए राष्ट्रपति अभी है, अभी फिलहाल नए राष्ट्रपति का नाम जो है माइली है, जो कि कहता है कि हम राइट विंग्स के रुझान वाले व्यक्ति है, राइट विंग्स की विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा, ऐसे में उन देश की जो आर्थिक और विदेश नीति में कई बदलाव का ऐलान भी साथ में किया है, और सबसे बड़ी फैसला तो ये है, आपको बता दें कि जो ब्रिक्स है 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ब्राजील, चीन, भारत और रूस शामिल था उसमें, 2010 में एक 5वां देश बनाया था जिसका नाम साउथ अफ्रीका है, जिसे दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं, है ना, और इस देश के बेस के आधार पर ये सारी चीजें। हाँ, अब अर्जेंटीना ने इस बहुत सारे विवाद है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं,
और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं उसे भी दिखाने की कोशिश मैं करूंगा। हालांकि ओवरऑल जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है, ओवरऑल चीजें जो है मैंने बता दिया है। यही बात है यहां पर भी, इसमें भी हमने यही चीज लिखा कि अर्जेंटीना हैज फॉर्मली रिजेक्टेड टू इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स। पांच देश ब्रिक्स के कौन कौन है भाई? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है आपका अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और यूनाइटेड एरब। एग्जाम में प्रश्न के तौर पर यही पूछेगा, अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट एंड यूनाइटेड अरब इमीरात, ये जो पांच देश है, ये जो छह देश है खास करके, ये 1 जनवरी 2024 को भारत देश ये ब्रिक्स में ऐड होने वाले थे, लेकिन अर्जेंटीना जो है मना कर देता है। अब अर्जेंटीना इसमें भाग नहीं लेगा, याद रखिएगा। अब कितने ब्रिक्स में देश हो गए? टोटल 10 देश हो गए। पांच ब्रिक्स के देश, छठा और सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब इमीरात, ईरान और इथोपिया। ये अर्जेंटीना आपका अब इस देश का सदस्य, ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं होगा। अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं होगा। क्लियर है? आप इस चीजों को समझिएगा। अब सवाल यह है कि व्हाई डिड अर्जेंटीना रिजेक्ट टू ब्रिक्स मेंबरशिप, ये प्रश्न के तौर पर पूछेगा आपके एग्जाम में भी, और इस तरीके के प्रश्न मेंस में पूछ दिए जाएंगे इंटरनल रिलेशनशिप के बेस के आधार पर कि न्यू अर्जेंटीना की जो प्रेसिडेंट है माइली, वो क्यों रिजेक्ट हुआ। हमने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि भाई वो कह रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के बेस के आधार पर कि वी आर सपोर्टिंग टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इजराइल, हम लोग राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है हमें आपको ये कम्युनिस्ट विचारधारा से अलग होकर काम करने की जरूरत है हमें, तो हम जो है ब्रिक्स देशों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी डिसीजन अलग होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग होगी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पिछले सरकार के कंपेयर में अलग होगा। तो इन सभी के मुताबिक जो है इस बेस के आधार पर इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आपका सदस्य हो। अब थोड़ा समय आपको इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं बता दूं आपको, ये देश आपका न्यू मेंबर में, अर्जेंटीना को आप हटा दीजिए। अब अर्जेंटीना जो है रिजेक्ट किया है, अर्जेंटीना हमारा पार्ट अब नहीं है, तो अब यही ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आपसे प्रश्न पूछेगा कितने देश टोटल मिला के, तो 10 देश, 2 4 5 2 4 5, यानी टोटल मेंबर कितने अब अस्थाई परमानेंट मेंबर 10 मेंबर है। अब यहां पर थोड़ा और भी प्रश्न को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए देखते हैं, वेटेज एक्सपेंशन की बात करें, 25 कंट्री जो है पार्टिसिपेट कर ब्रिक में, ब्राजील, रसिया, इंडिया, ये सब चीजें तो है ही साथ साथ में। कुछ से फैक्ट है जिसको आपको समझने की जरूरत है। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी और अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ईरान, इजिप्ट, ये सारे लोग ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था, ब्रिक्स ने उसको ये किया। ये भी मैं बता दूं कि दुनिया की जितनी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का 42% जो देश है, 42% जो जनसंख्या है ये ब्रिक्स देशों में रहती है। 18% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है, अंतरराष्ट्रीय जो निर्यात है, ये ब्रिक्स देशों से होता है। 26% जो वर्ल्ड की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जीडीपी, दुनिया की जो जीडीपी का 26% ये आपके ब्रिक्स देशों से है। अब नए साथ साथ में ब्रिक्स देशों का एक अपना बैंक है ब्रिक्स का, जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका। ब्रिक्स जो है 2015 में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो 33 बिलियन के आसपास जो है इनके पास ये है। इस तरीके कभी कभी डेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जा सकता है और ये डेटा जो है काफी कुछ आपको बताएगा। ब्रिक्स जो है अभी आप लोगों ने ये सब देख लिया, समझ लिया, अर्जेंटीना आप ज्वाइन नहीं करेगा तो अर्जेंटीना को आप डिलीट कर दे। अब अर्जेंटीना जो है हर जगह से हट जाएगा, यानी अब सदस्य के रूप में 10 देश हो गए। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, 6 मेजर कंट्री और भी था, अब 5 मेजर कंट्री है, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और इथोपिया। इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान। 1 जनवरी यानी कि आज ये फाइनली ज्वाइन कर लेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इन सभी नए लोगों को जोड़ने के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर भी थोड़ा हम ध्यान देते हुए समझ सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इनका। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ब्रिक्स का जो इन्फ्लुएंस को बूस्ट करना, यानी कि जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है, आवाज के तौर पर बनने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगी ब्रिक्स एक तरीके से,
तो ये पहला सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं जीडीपी और पॉपुलेशन के बेस के आधार पर, जैसा हमने कहा कि भाई पूरी विश्व की जनसंख्या की 40% जनसंख्या जो है ये ब्रिक्स देशों में पहले से ही है ना, और अब पूरी 1/4 अगर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है 1/4 क्वार्टर जीडीपी ये ब्रिक्स देश में ही आपका ऑलमोस्ट, ये चाहता है कि जनसंख्या और इकोनॉमी दोनों हाफ हो जाए अगर ये पांचों देश और भी मिल जाएंगे तो, है ना। एक चीज और भी है, एंटी यूएस सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें, हालांकि बड़ा ब्रिक्स को लेकर कंट्रोवर्सी भी होती है कि भारत क्या ब्रिक्स, भारत जो है ब्रिक्स का सदस्य है यानी मेंबर है, लेकिन एंटी यूएस सेंटिमेंट्स है ब्रिक्स के देशों में। जैसे आपको पता होगा ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब चाइना और रशिया की बात करें, चाइना रशिया जो है यूएसए के अगेंस्ट है, एंटी यूएसए का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत तो यूएसए का एंटी है नहीं, भारत तो रशिया का एंटी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि भारत जब यूएसए का एंटी नहीं है इसके बावजूद भी ब्रिक्स का सदस्य है, इस बात को नकारते हुए भी कहा जा सकता है कि एंटी यूएसए सेंटिमेंट नहीं हो सकता है, पार्सली कह सकते हैं, क्योंकि खास करके चाइना और रशिया जो यूएसए के विरोध है। अब इसी बात को लेकर अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भाई ब्रिक्स तो कम्युनिस्ट विचारधारा का है, चाइना है, रशिया, ये सारे कम्युनिस्ट कंट्री है। अब भारत में भी कम्युनिस्ट कह सकते हैं, लेकिन भारत में राइट विंग्स भी और लेफ्ट विंग्स भी है और सेंटर भी है, अलग अलग चीजें हैं। आपका मल्टीपोलरिटी प्रोग्राम्स की बात भी कर सकते हैं ब्रिक्स के अंदर में, कि बहुत सारे ग्लोबल साउथ के देशों का जो प्लेटफॉर्म के तौर पर यह बन सकता है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म ब्रिक्स हो सकता है इन साउथ देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। यहां पर जियो पॉलिटिक्स के रोल से भी हम बात कर सकते हैं कि एक तरीके के G7, याद होगा वर्ल्ड बैंक और G7 की तरह देशों की तरह ये जो समस्या का समाधान करने के लिए वो आगे बढ़ सकता है। चाइना रशिया का इम्प्रिंट यहां पर कर सकते हो कि जिस प्रकार से चाइना इन्वॉल्व कर रहा है, चाइना जो है ईरान और सऊदी अरबिया को इनवाइट किया है ना, अंडर स्कोर में आप कह सकते हैं ब्रिक्स को सेल्फ ग्लोबली करने के लिए। ईरान को यूएसए भी नहीं चाहता है लेकिन चाइना ने कहा, और चाइना जो है यूएसए को नहीं चाहता है तो ईरान को कहा कि चोर चोर मोसेरा भाई, यानी कह सकते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये वाली है दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, दोस्त हो गया, तो उसको बोलो इन्वाइट करते हैं, ब्रिक्स का सदस्य बनाते हैं। चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, रशिया का भी इन्फ्लुएंस बहुत। इंडिया की पोजिशनिंग की अगर हम बात करें, इंडिया की पोजिशनिंग की बात करें, अगर देखा जाए इंडिया के पोजिशंस की बात किया जाए तो थोड़ा सा यहां पर इंडिया के को लेकर अगर कह सकते हैं कि इंडिया की जो वैल्यू है ब्रिक्स में आपका नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग के तौर पर आप देख सकते हैं, एक डाइवर्स पार्टनरशिप के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया ना तो यूएसए का विरोधी है और ना चाइना, ये ना तो रशिया का, लेकिन चाइना के अगेंस्ट में है आपका, तो थोड़ा है वो चीजें कॉन्सेप्ट के बेस के आधार पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही अलग है इस देश पर। लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से मामला और मुद्दा चली कि ब्रिक्स में जो अर्जेंटीना ने सडनली कहा कि हम आपके सदस्य नहीं बनने वाले हैं, ब्रिक्स के सदस्य नहीं बनने वाले हैं, तो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में खलबली मच गया ब्रिक्स को लेकर भी, अर्जेंटीना को लेकर भी। अर्जेंटीना ने भी साफ साफ पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हम हमेशा यूएस और इसराइल के साथ खड़े हैं, यानी कि जो यूएस और इसराइल के खिलाफ है ना, उन दोस्त जो है उसके दुश्मन बन गए। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप साफ साफ आपने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हम यूएस और इसराइल के साथ है, तो बाकी जो यूएस इसराइल के जो अगेंस्ट वाले देश है वो आपको यही समझेगा कि फिर तो इसका मतलब ये भी है कि आप हमारे भी अगेंस्ट है। तो ये थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस देखने को मिला। बाकी देखते हैं आगे, बहुत सारी कथाएं घटनाएं जो है प्रॉफिट के बेस के आधार पर होती है, सब जो है जियो पॉलिटिक्स राजनीति है, रणनीति है ना, सब अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने स्थापत्व और अपने अपने पावर को बनाए रखने के लिए कभी भी कदम उठा लेता है, किसी भी प्रकार का कदम। चाणक्य में सामदंड भेद का सुना होगा, ऐसे आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है, राज्य स्तर पर देखने को मिलता है, हर जगह पर वो चीजें हैं, तो वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलता है। बाकी देखते हैं, ये आपको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए चर्चा करना भी बहुत जरूरी था और हमने इस बेस के आधार पर चर्चा किया भी। तो ये था और आशा करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा, बाकी आप भी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। फिर भी मैं कह देता हूं कि आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, पॉजिटिव कमेंट करें, है ना, ताकि मनोबल बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।